बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को हंगामे पर काबू करने के नाम पर विधायकों के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले में अब एक्शन हुआ है। इस आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी जांच में दोषी पाए गए थे। गौरतलब है कि 23 मार्च को विधानसभा परिसर में विधानसभा के सुरक्षा प्रहरी की संख्या काफी कम रहने के कारण मार्शल और बिहार पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। बजट सत्र का वह दिन विधानसभा में काफी हंगामेदार रहा था। सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरोध में राजद के विधायकों ने उस दिन सदन के अंदर जमकर हंगामा मचाया था। शाम को विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर धरना देकर उनका घेराव भी किया था। इसके बाद विधानसभा में पुलिस बल का प्रयोग करते हुए विरोध करने वाले तमाम विधायकों को सदन से धक्के मारकर बाहर निकाला गया। आरोप लगा है कि इस दौरान हंगामे पर काबू पाने के नाम पर पुलिसकर्मियों ने विधायकों के साथ मारपीट और बदसलूकी की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इन अधिकारियों के साथ सभा सचिवालय के सीसीटीवी से लिए गए घटना के वीडियो फुटेज और नेता प्रतिपक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज को भी देखा गया है। गुरुवार को उन्होंने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद इस मामले में दोषी पाए गए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।